अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के सेकंड एपिसोड ऑफ अनकॉमन इन्वेस्टमेंट के इस भाग में, जहां पे हम आज बात करेंगे एलटी फूड्स के बारे में। एलटी फूड आपको पता है किस बिजनेस में है? मैं आपको लेकर चलता हूं कृष्ण और सुदामा के ज़माने में, आज से 5000 साल पहले। हम सब ने बचपन में कहानी सुनी थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में, जो तांदुल लेके वो अपने मुट्ठी में लेकर जाते थे सुदामा, और कृष्ण उसे बड़े चाव से खाते थे। तो आज की हमारी जो एलटी फूड कंपनी है, जिसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, वो इसी तांदुल के बिज़नेस में है, जिसे हम चावल कहते हैं, राइस कहते हैं। एलटी फूड 1990 में शुरू हुई थी लालचंद तीरथराम राइस मिल के नाम से, और उसको बाद में इन्होंने नाम चेंज करके एलटी फूड्स बना दिया गया, ताकि उनको ना सिर्फ चावल बट और भी ऑर्गेनिक फूड में अपना बिज़नेस एक्सपांड करना था। एलटी फूड हमारे भारत में काफ़ी कॉमन नाम है, तो कई बार लोग ये सोचते हैं एलटी फूड तो हमने कहीं नाम देखा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके घर में दावत के पैकेट हमेशा पड़े होते हैं, दावत राइस के, तो आप कहेंगे हाँ, दावत के पैकेट हमेशा होते हैं। भारत की नंबर दो ब्रांड है चावल में दावत। अमेरिका में ये ब्रांड नेम प्रचलित है रॉयल के नाम से, इसी कंपनी का, जो अमेरिका में नंबर वन है। गल्फ कंट्री में इसे हेरिटेज या इंडस वैली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी हाईली सेलिंग ब्रांड नेम ही है, और दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में ये चावल एक्सपोर्ट करती है। और अब तो ना सिर्फ चावल लेकिन और भी स्टेपल फूड इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। तो आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि हमने जब ये कंपनी खरीदी तो आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले ये शेयर का भाव 125-150 रुपया चलता था और बेस्ट बाय माना जाता था। ऐसी क्या बात हो गई कि भाव ये गिर के 22 रुपये तक नीचे आया था पिछले कुछ दिनों में, और अभी तकरीबन 30 रुपये के आजू बाजू चल रहा है। एलटी फूड की कंप्यूटर कंपनियों में आप देखोगे तो आप देखोगे KRBL है, कोहिनूर फूड्स है और चमनलाल सेठिया फूड है, ये सारे भी राइस एक्सपोर्ट में ही हैं। मगर मैंने एक सबसे बड़ी जो खूबी एलटी फूड में देखी वो ये है कि टोटली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इनके पास 80,000 किसानों का नेटवर्क है, जो 1,00,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर अपना क्रॉप उगाते हैं और इन्हें सेल करते हैं। और इसी तरह इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इतना स्ट्रांग है कि 50 से ज़्यादा देशों में ये राइस और बाकी स्टेपल फूड एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कुछ फिगर के बारे में देखते हैं कि भारत में तो जैसे मैंने आपको बताया नंबर दो है, इसका टोटल सेल का 37% रेवेन्यू इंडिया से आता है, US से 29% रेवेन्यू आता है, मिडल ईस्ट कंट्रियों से 17% रेवेन्यू आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बाकी 17% आता है। भारत के ऑर्गेनाइज फूड मार्केट में इसका टोटल हिस्सा 18% है दावत ब्रांड का। एक सबसे बड़ा फर्क जो मैंने देखा कि एक ना सिर्फ 80,000 किसानों के साथ इनका टाइप और 50 से ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट, लेकिन ये कंपनी एक ऐसी है जो आज का हमारा भारत का यूथ जो चेंज हो रहा है, जो नई पीढ़ी जो है, जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जो ज़्यादा पैसा देने तैयार है प्रीमियम ब्रांड के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर भी शुरुआत कर ली है कि इन्होंने पिछले 2 सालों में इकोलाइफ करके इनका नया ब्रांड शुरू किया है भारत में, जो ऑर्गेनिक फूड में डील करता है, ना सिर्फ चावल मगर चना मूंग जैसे सारे स्टेपल ऑर्गेनिक फॉर्म में ही लोग प्रोक्योर करके हमारे कंट्री में बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा टाइप है, मार्स चॉकलेट जो हम सब पहचानते हैं, इनका ज़्यादातर रॉ मटेरियल मार्स कंपनी को भी सप्लाई होता है। और एक जो नया लेटेस्ट इन्होंने अभी ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में वो है कमेडो सिको, जापान की सबसे बड़ी प्रीमियम फूड स्नैकिंग फूड की कंपनी, इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है, और उनकी सबसे फेमस ब्रांड
कारी कारी का प्रोडक्शन इन्होंने भारत में पिछले वर्ष से शुरू किया है। ये हेल्दी प्रीमियम स्नैकिंग है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम 5 रुपया, 10 रुपया वाला, 15 रुपये वाला पैकेट जब खा के गिल्ट महसूस करते हैं कि हमने क्या खा लिया। ये ऐसा प्रीमियम स्नैकिंग है जिसमें राइस से स्नैक बनता है और उसमें हेल्दी चीज़ जैसे कि पीनट्स और बाकी ड्राई फ्रूट मिक्स करके ये आपको सर्व करते हैं। और ऑफकोर्स प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा साइड में है, मगर हमें गिल्ट फील नहीं होता कि हमने कुछ ख़राब चीज़ खाई या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे लगती थी कि शायद ये कंपनी को भाव और अभी अच्छे मिलने चाहिए और आगे जाके मल्टीबैगर हो सकती है। मैं आप लोगों से ये सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग ने भी अगर ये कंपनी के बारे में कुछ जाना है, अगर आप ये कंपनी के बारे में कुछ पता है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए हमारे इस लिंक में, तो हम मिलकर देखेंगे कि आगे जाके ये कंपनी कैसे मल्टीबैगर होगी। इसके अलावा ये कंपनी का दूसरा एक सेगमेंट ये है कि जो फूड इंडस्ट्री आज हम देख रहे हैं ग्रो हो रही है, तो पहले हमारे भारत में अनब्रांडेड फूड का काफ़ी चलन था। हम जब दुकान में जाते थे, हम खुद हाथ से गेहूँ लेते थे, हाथ से चावल लेते थे और उसे पैक करवा के घर पे लेके आते थे। आजकल ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन मंगाते हैं, तो एक बार अगर आपकी ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाती है मार्केट में, तो आप ऑनलाइन में सिर्फ उस ब्रांड के बारे में बटन दबा देते हैं और वो पैकेट आपके घर पर आ जाता है। तो ये जो हमारा आज माइंडसेट चेंज हो रहा है, ऑनलाइन फूड घर पर मंगाना या ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज करना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ऐसी कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने अपने ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश कर दिए हैं, जिनकी सप्लाई चेन काफ़ी अच्छी है, आज फ्यूचर रिटेल के साथ इनका पूरे कंट्री में टाई अप है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका ये हो जाता है कि जब आप ब्रांडेड फूड घर पर मंगाते हो फ़ोन पे, तो ऐसे आउटलेट्स जहाँ पे इनके टाई अप है आपको वो पैकेट ही आते हैं, तो ये इनका मार्केट सेगमेंट धीरे धीरे काफ़ी कवर करते जा रहा है अनब्रांडेड सेगमेंट को। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि मुझे लगता है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि आगे जाकर ऐसी कंपनियाँ अच्छा मुनाफा कमाएगी और अच्छा प्रॉफिट शेयर देगी। एक ही दिक्कत जो मैंने इसकी बैलेंस शीट में देखी वो है इस पर बढ़ता हुआ कर्जा। प्रमोटर का टोटल स्टेक अराउंड 49% है, उसमें से 5% स्टेक इन्होंने मार्केट में गिरवी रखा हुआ है स्टॉक्स को। तो ये एक ही सेगमेंट ऐसा है कि जहाँ पर कुछ चिंता का विषय है, बट ये भी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा विषय हो कि भाव 125 से गिर के 30 रुपये तक आ जाए। दूसरा चीज़ इसका यहाँ पे ये है कि ये जो एक्सपांशन कर रही है, तो शायद उसकी वजह से और थोड़े साल डिविडेंड अच्छा ना आ पाए, लेकिन ऑफकोर्स प्रीमियम इसका मार्केट शेयर प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी बढ़ते रहेगा, और यहीं पे हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ अच्छी और भी एवरेजिंग करनी चाहिए भाव में, जो मैं करता रहा हूँ और मेरे पास ये स्टॉक्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब इन्वेस्टर को मिलते हैं, बाकी लोगों से बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि हमने शेयर खरीद लिया और फिर गिरना शुरू हो गया। ये गिरने के कई कारण हो सकते हैं। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सडनली निकल जाता है जब किसी शेयर में से, और भाव टूट जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कहानी में कहीं ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन प्लेयर शायद बाहर हुआ है और भाव नीचे आया है। तो आइए काम करते हैं, ये शेयर के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और मैं अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बनाए रखता हूँ और देखता हूँ कि आगे कैसे इसमें मुनाफा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।